सोच ले, समझा दे अपनी माँ को। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। कर मुझको तू पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, तेरे सिवा मुझको और नहीं भाता। माँ भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, सिवा मुझको कुछ और नहीं भाता। दूर न कर मुझको तू पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई। देख रामो, समझा दे अपनी माँ को, कह दे कि जो खोपड़िया खजाने का लगता है उसे मेरे हवाले कर दे। मैं तुम्हें दो दिन का मौका देता हूं। नहीं माँ, कुछ भी हो जाए लेकिन चाचा जी को कभी खुफिया खजाने का नक्शा मत देना माँ, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए। बेटा, हाँ तेरा बड़ा भाई तो मेरे पास नहीं है, तू ही है मेरे लाल। तेरे पिता ने कहा था मेरे दोनों बेटे और रानी साहिबा, तुम सुन लो, ये नक्शा किसी को नहीं देना। हाथ में ये नक्शा कैसे दे दूं, कैसे दे दूं? क्या क्या कहा? नक्शा नहीं दोगी? दूंगी नक्शा, लेकिन दो दिन के बाद मैं आपको नक्शा दे दूंगी। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि दो दिन के मोहलत तुम्हें दे रहा हूँ। याद रखो महारानी, अभी तो महारानी के लिबास में हो। अगर तुम्हें दरदर की खाद ना छलवा दिया, दरदर तुम्हें भीख ना मंगवा दिया, तो मेरा विलाप अमरनाथ नहीं है। याद रखो बेटा। हाँ माँ, मुझे छोड़कर मत जाना माँ। नहीं जाऊंगी बेटा, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। दरबार जान हराम जाते राम को जिंदाल में, ले जाओ उसको यहाँ से। नहीं मामा, तुम्हारे बेटा, बेटा, बेटा। भाभी साहिबा, मैं जा रहा हूँ, दो दिन का वक्त है, जैसा हो बता देना। या भगवान, आज तो मैं बर्बाद हो गई, बर्बाद। कई सदी कटी है रामा, जतने बताए जाओ, कई सदी कटी है रामा। या भगवान, यही पार गंगा
नहीं, नहीं, नहीं। श्याम भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? किससे बात करूँ? किसको अपना समझूँ और किसको अपना दुखड़ा सुनाऊँ? सब कुछ तो अपना छूट गया अपनों से। प्रभु, और गम के मारों का नहीं। और गम के मारों का न चरख सता घर से बेघर हुए, घर से बेघर हुए, और हम से जमाना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे चला भी नहीं जाता है और कुछ खाने के लिए भी नहीं है मेरे पास। ना तो पानी मिल रहा है कि पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लूं। वो सामने एक बगीचा, एक फुलवारी दिखाई पड़ रही है। मैं उसी फुलवारी और बगीचे की तरफ बढ़ता हूं और मुझसे चला भी नहीं जाता है। वहीं पर थोड़ा आराम करता हूँ और वहीं पर कुछ खाने का हो सके तो इंतजाम करता हूँ। चलता हूँ। ये भी सो रहा है। नौकर, रे ए नौकर, अबे सो रहा क्या? हो सही नहीं है। चोर, 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 कहाँ चोर? आंखें खोल, देख, पहचान पहले। सो रहा? देख जी, राम 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 राम। यहाँ नौकरी कर रहा कि सोने के लिए आता? देख जी, बैठे बैठे नींद आ गए। बैठे बैठे नींद आ गई जी। सेठ जी, देखे पहली गलती है माफ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना जी। नहीं होगी। चलो लगो भगवान। ये पंकज कौन है?
सेठ जी, ये पंकज सेवा खेड़ा वाला है। सेवा खेड़ा से हाल है लेकिन जी जी जी, वैसे ग्राहक तो हमारे बहुत फिट है, ईमानदार है। वो ईमानदार कोई बात नहीं, बोले थे दो दिन में दे जाएंगे। ये अमरनाथ खलनायक ये कहाँ का है? ये हैदरगढ़ बाराबंकी के पास से आया। खरा कनकू। अच्छा अच्छा, हैदरगढ़ से। जी जी जी, उसे वो भी इंसान अच्छा है। माल जाता है जानते हो, लेकिन सामान काफी गया उसके यहाँ, सामान उसके यहाँ काफी गया है जी। हो सकता कोई फंक्शन हो या शादी विवाह हो, बच्चे का वो था बर्थडे। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बर्थडे में सोना चांदी जाएगा? अरे वो कमर में पहनने के लिए। अच्छा, औरतों के लिए। चलो कोई बात नहीं है, कायदे से दुकान पर रहना, कोई भी ग्राहक चाहे नहीं पाए, तुरंत ही वापस आना जाना चाहिए, ठीक है ना? जी ठीक है, चलो लग जाओ। बाबूजी नमस्ते। बीबी बाबा, ये बाबा क्या है, कहीं मैं जा रही हूँ क्या? तो कब किन जाते है? जब लोग बाहर जाते हैं कहीं जाते हैं तब बाय बाय किया जाता है। हम का काम मालूम बाबू जी। हाँ हाँ बेटी, आप बाहर से वापस आ गए? हाँ बेटी, मैं तो वापस आ गया। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अपनी दुकान है बैठ जाओ, डरने की कोई बात नहीं बेटी। लेकिन हम तो दीदी। क्या बात है रे? दीदी बोलिए। ले सिगरेट पियो। क्या रे, तुम्हारा हाथ कहाँ जा रहा बदतमीज? सिगरेट सिगरेट। एक बात ये बता, ये सिगरेट मैंने कहा था ग्राहकों को देने के लिए, और तू मेरी बेटी को पिला रहा ना लाए? क्यों सेठ जी, आप ही ने तो कहा था जब कोई आ जाए तुरंत उसको सिगरेट पूछना। अरे पागल, ग्राहकों के लिए मैंने कहा था। ये बात है सेठ जी। और बेटी मेरी सिगरेट पीगी, तू पी ले कोई बात नहीं, मैं सामान लाया हूँ बेटी के लिए। सेठ जी मुंह में आग नहीं लगती? मुंह में आग तो माचिस कहाँ है? अरे माचिस कहाँ है? तब फिर कैसे पी ले सेठ जी? ये तेरा काम देखने के लिए है। जी सेठ जी। बाबूजी। हाँ बेटी कहो। आप बाहर से आ रहे हैं? हाँ हाँ। हमारे लिए कुछ लाए हैं कि नहीं? अरे वाह बेटी वाह, तुम्हारे लिए क्यों नहीं लाऊंगा? क्या लाए हमारे लिए बाबूजी? एकलौती बेटी हो तुम, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कीमती कीमती सामान लेके आया बेटी। ये देखो ये देखो बाबूजी। अच्छा है ना? कितना सुंदर हार है बाबूजी। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा है। और ये देखो, इसमें तो कान के भी हैं। सब कुछ है बेटी। मांग का भी है। क्यों नहीं, एक लौती बेटी है मेरी। देखो गले में लगा के देखो कैसा लग रहा। वाह भाई बिल्कुल राइट, अच्छा लग रहा बाबूजी, फर्स्ट क्लास। और भी है बेटी, घबरा सेठ जी, सेठ जी। क्या बात है? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन एक चीज के बगैर कमी है सेठ जी, अच्छा नहीं लगता। कौन सी चीज है सेठ जी? मांग में सिंदूर नहीं है। चल चला कहीं का, अभी शादी नहीं किए, कोई अच्छा सा लड़का देख कर जब शादी करेंगे तब मांग में सिंदूर जाएगा। बेटी कुछ इसमें भी सामान, लेकिन इसमें कुछ दुकान का है, जो अच्छा लगे वो ले लो इसमें, और कुछ दुकान का है इसमें। मैं ये ले लेती हूँ। इसको भी ले लोगी? ये कैसा लग रहा बाबूजी? बहुत अच्छा लग रहा है बेटी। ठीक है सेठ जी। क्या बात है? हमरे साथे दगा बाजी की हो ना? क्या हुआ बताओ? अनार लेके आयो दीदी दे दियो। दीदी हमका नहीं दिन, दीदी अनार ना। अरे बदतमीज, अनार कितना अनार खाएगा, कितना अनार खाएगा? एक खाब। अरे पागल, अनार मैं लेने के लिए नहीं गया था भाई, जो ये सब सामान लेने के लिए गया था, यही सोने चांदी ये सब लेकर आया, मैं तुझे जाकर मंडी से मंगवा दूंगा, तू खा लेना अनार। बहुत झूठ बोला था सेठ जी, बोलियो झूठ। चलो कोई बात नहीं बेटी। बाबूजी। अच्छा तुम घर जाओ। चलो बाबूजी, मैं कुछ काम के लिए यहाँ आई हूँ। कौन सा काम है बाबूजी? कहने में डर लगता है। अरे एकलौती बेटी हमारी, कहने में क्या कहूँ, किस लिए डर लग रहा? नहीं मुझे डर लग रहा, कहीं आप इनकार न करें। ये मत समझो बेटी, तुम्हारी माँ गुजर जाने के बाद तुम ही थी अकेली। बाबूजी मैं कहीं बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बेटी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहो बाबूजी, कहो। आज्ञा दीजिए पिताजी, और मुझे इस घड़ी आज्ञा दीजिए पिताजी।
हम सिर में, साथ में कुछ सहेली, सहेली? और भी ले जाऊंगी, अपना जौहर दिखाऊंगी। देखो बेटी, अब तुम सयानी हो गई हो और बड़े घरों की लड़कियां इधर उधर घूमने के लिए कहीं नहीं जाती हैं। अरे बाबूजी, मैं और कहीं नहीं जा रही हूँ, जो अपना बगीचा है उसी को मैं देखने जा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, एक लौटी बेटी है, इसकी बात को तो मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात दिमाग में धर लो। कौन सी बात है बाबूजी? अरे जाओ बेटी, मगर याद ना रहे, जाओ बेटी मगर याद ना रहे, बात को मेरी तुम भूल जाना नहीं, जाओ बेटी। नहीं बाबूजी, मेरी बात को भूलना नहीं। जाना चाहती है तो जाओ, और कितनी सहेलियां साथ में जा रही? एक मेरी सहेली है आशा। आशा जा रही है? वो मेरे साथ जा रही है। ठीक ठीक है, जाओ। ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ। शाम होने से पहले जरूर चली आना मकान में। ठीक है बाबूजी। क्या बात है दीदी? चमन घूमे जा रही है, और दीदी ते बता दियो अच्छी तरीके से घर का लौट कहेंगे, और घोंघिया ना फूटे सही से। क्या चीज ने बोला? चुप, ये क्या चीज है? मालिक गली में और नरवा परत पे जी, वही बात नहीं है, कन्नी घुंगिया के ऊपर लात धर दिन दो फूटिन गई, गोरे में लाग गई सेठ जी। अच्छा अच्छा, तो बहुत हमदर्द है। बदतमीज, में नाला कहीं तर दूंगी क्या, उसे पार कर दूंगी क्या? तुम जाओ। ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटी। नमस्कार जी सेठ जी। आज तुम दुकान का काम कायदे से देखना। जी सेठ जी। ठीक है ना? जी। मैं चल रहा हूँ, क्योंकि तगादे में जाना है, कुछ लोग जो पैसा बाकी कर गए उसको लेने जाना है, हम वसूली करके बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। सेठ जी, हाँ। यार बात तो हम भूल गए। कौन सी बात है सेठ जी? कौन सी बात है? बात यार भूल गए, दिल्ली से पुनीत शर्मा जी गंगा कैसेट वाले, हाँ, 1,00,000 रुपया खातम दरवाई न है। अच्छा अच्छा, उका भूल गया ना कहीं ना, बता दियो सेठ जी। खाते में आ गया कि मोबाइल में आ गया? अरे हम तो देखे नहीं, मोबाइल में आ गया। मैसेज देखो सेठ जी। मैसेज में आ गया, देखो देख रहे। हाँ भाई, बहुत ईमानदार आदमी है हमारे पुनीत शर्मा जी, बहुत ईमानदार आदमी है, 1,00,000 रुपया तुरंत ही भेज दे। हाँ सेठ जी, अगर कोई भी माल कहे तो फौरन ही पहुँचा दे। हार के ऑर्डर है? हार के ऑर्डर जी सेठ जी। अच्छा ठीक है, तो बढ़िया सा हार आपकी हम बनवा के लाएंगे उनके लिए। जी सेठ जी। ठीक है ना जी, अगर फोन आया तो बता देना, बढ़िया सा हार बाबूजी लाएंगे। जी सेठ जी। तुम कायदे से काम देखना, जी ना, कोई कमी नहीं होना पड़े। जी सेठ जी। ठीक है। राम राम सेठ जी। राम राम। राम राम। Thank you.
अच्छा भगवान, या भगवान, या भगवान, अब मैं क्या करूं, किससे मदद मांगू? इस संसार में ऐसा लगता है मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। अब तो एक पग चलना भी मेरे लिए दुश्वार हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि बिना रोटी के मेरे जीवन की नैया आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए आज अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं हाथ फैलाकर दूसरों के सामने इस पेट के लिए एक रोटी का सहारा मांगता हूं। और कर दो रहम गरीब पर, तेरा खुशी रहे परिवार, और बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे संसार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, भूखे गरीब की यही एक दुआ है, भूखे गरीब की यही एक दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही एक दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। और पैसे दो पैसों से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, दो पैसों से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। हर ले लो दुआए गरीब की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। हो जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसको मिला है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे, गुड्डा गाड़ी मोटर बजाए शोर हमेशा मचा रहे। ओ भलाई फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो।